नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। इस 15 अगस्त को मुंबई वालों को एक बड़ी सौगात मिल रही है। सौगात ये कि जिन लोगों ने वैक्सीन की दोनों डोज ले ली है, उन्हें 15 अगस्त से मुंबई की लोकल ट्रेनों में सफ़र करने की इजाज़त मिल जाएगी। मुंबई में लोकल ट्रेनों की क्या भूमिका रही है, ये किसी से छुपा नहीं है। लोकल ट्रेनें चलती हैं तो मुंबई चलती है, और यही वजह है कि लोकल ट्रेनों को मुंबई की लाइफलाइन कहा जाता है। मुंबई में लोकल ट्रेनों की तीन लाइनें हैं, सेंट्रल रेलवे की मेन और हार्बर लाइन और वेस्टर्न रेलवे की लाइन। सेंट्रल रेलवे की लाइनें करजत कसारा तक जाती हैं, इसके अलावा हार्बर लाइन पनवेल तक जाती है, और वेस्टर्न रेलवे विरार से भी आगे जाती है। महामारी फैलने से पहले लोकल ट्रेनों में रोज़ाना 80 लाख मुसाफिर सफ़र करते थे, लेकिन महामारी के बाद में कुछ वक्त तक लोकल ट्रेनें बंद रहीं, और जब फिर से एक बार लोकल ट्रेनों को शुरू किया गया तो फिर उन्हीं लोगों को इजाज़त दी गई जो कि इमरजेंसी सेवाओं से जुड़े हुए हैं, जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, पुलिस विभाग में काम करते हैं, ऐसे लोगों को ही लोकल ट्रेन में सफ़र की इजाज़त दी गई थी। बीते कुछ महीनों से सरकार पर यह दबाव पड़ रहा था कि लोकल ट्रेनें सभी के लिए खोली जाएं। हालांकि सरकार ने कई सारी ढीलें दे रखी थी, जैसे दुकानों को एक हद तक खोले जाने की इजाज़त थी, दफ्तरों को खोले जाने की इजाज़त थी, लेकिन समस्या ये थी कि लोग अपनी दुकानों तक, जो दुकान में काम करने वाले कर्मचारी हैं या जिन दफ्तरों में लोग आ रहे थे, वो आए कैसे। हालांकि बेस्ट की बसें तो चल रही थी, लेकिन उनमें भीड़ काफ़ी हो रही थी और सिर्फ सीमित संख्या तक ही लोग बसों के जरिए सफ़र कर सकते थे, और हर किसी के लिए टैक्सी में सफ़र करना किफ़ायती नहीं था, और इसलिए मांग की जा रही थी कि लोकल ट्रेनों की शुरुआत सभी के लिए की जानी चाहिए। आखिर सरकार ने अपनी रुख में नरमी लाई और ऐलान किया कि लोकल ट्रेनें सभी के लिए खोल दी जाएंगी, लेकिन उसके लिए एक शर्त ये रखी गई है कि जो भी लोग लोकल ट्रेन का सफ़र करना चाहते हैं, उनके दोनों वैक्सीन के डोज पूरे हो जाने चाहिए, और दूसरा डोज लिए जाने के 15 दिनों बाद ही वे लोकल ट्रेन में सफ़र कर सकते हैं। इसके लिए एक सिस्टम तैयार किया गया है। सिस्टम के मुताबिक जिन लोगों को लोकल ट्रेन का पास निकालना है, वे लोग अपने कागजात लेकर, यानी कि दोनों डोज के सर्टिफिकेट लेकर और अपनी फ़ोटो पहचान पत्र का की फ़ोटो कॉपी लेकर जाएंगे रेलवे स्टेशनों पर, जहां बीएमसी की ओर से नियुक्त किए गए लोग सहायता केंद्रों पर होंगे, और वो इन कागजातों की पड़ताल करेंगे, उनका वेरिफिकेशन करेंगे, और वेरिफिकेशन के बाद इन कागजातों पर बीएमसी का स्टैंप लगाया जाएगा और उस स्टैंप को टिकट विंडो पर दिखाकर पास जारी किया जाएगा। इस काम के लिए बीएमसी की ओर से मुंबई के 53 स्टेशनों पर सहायता केंद्र खोले गए हैं, और एक स्टेशन पर एक से ज़्यादा सहायता केंद्रों को शुरू किया गया है, ताकि लोगों को ज़्यादा दिक्कत ना हो, उन्हें भीड़ का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा ऑनलाइन तरीके से भी ये सुविधा जारी की गई है। हालांकि लोकल ट्रेनें सभी के लिए शुरू तो की जा रही हैं, लेकिन उनकी पूरी क्षमता का इस्तेमाल फिलहाल मुमकिन नज़र नहीं आता। इसके पीछे कारण ये है कि अकेले मुंबई में फिलहाल सिर्फ 20 लाख लोग ही ऐसे हैं जिनको कि वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं, और अगर पूरे MMRDA रीजन की, यानी कि ठाणे, पालघर, नवी मुंबई वगैरह की बात करें, तो महज 32 लाख लोगों को दोनों डोज लग पाई हैं। तो ऐसे में जो नियम सरकार ने बनाए हैं, उसको देखते हुए लोकल ट्रेनों की पूरी क्षमता का इस्तेमाल फिलहाल मुमकिन नहीं है।